गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा अवबोध। अवबोध का मतलब हमारी समझ। अवबोध को कहते हैं हम समझ, जिसमें कि हम समझ सके। अब कहें इसमें अवबोध में, जब हम पहले से इस बुक का नाम ज्ञान है, तो ज्ञान में हमारा क्या छुपा होता है? बोध, यानी कि हमारी समझ। हम इसे अवबोध को हम बोध भी बोल सकते हैं, जिसे हम कहेंगे हमारी समझ, हमारी स्वयं की समझ। अब समझ हमारी तर्क, हमारे विचार, इनके ऊपर आधारित हो सकते हैं। कहते हैं कि जो अवबोध है वो हमारी मानसिक प्रक्रिया है, जिसे हम समझते हैं, जानते हैं। ये तर्क करने पर, चिंतन करने पर, विचार करने की प्रक्रिया है। तो कहें हम बोध को हम कहते हैं समझ। बोध होता है समझ या सोच, जो हम उसके बारे में सोचते हैं, समझते हैं। ये हम तर्क, जो हम उसको सोचने समझने के बाद जो हम तर्क देते हैं, तो कहते हैं कि बोध के अंदर हमारी समझ छिपी हुई होती है। अब इसमें ये चीज कहते हैं कि समझ, समझ क्या होती है? इसमें एक चीज बोली गई है कि जो अवबोध है वो हमारे समझ की एक लचीली प्रक्रिया है, एक लचीली प्रक्रिया है। क्योंकि क्यों है ये लचीली प्रक्रिया? क्योंकि जैसे हम समझते हैं, समझने के आधार पर हम जैसे जैसे हमारी मानसिक जो हमारी बुद्धि है उसका विकास होता है, उसी तरह से हमारी सोच और समझ में भी परिवर्तन होता है। तो ये एक लचीला शब्द इसके लिए प्रयुक्त है कि हम जब हमारी समझ, जिस समय हम जिस चीज़ को समझ सकते हैं, हम उस टाइम उस समझ को उसी तरह से समझते। कहते हैं हम किसी चीज़ या किसी वस्तु के बारे में जो हम ज्ञान जानते हैं, या उसके लिए हम जो अपनी समझ उत्पन्न करते हैं, तो वो समझ हमारे किसके अकॉर्डिंग आएगी? जिस समय हमारी जैसी सोच होगी, यानी कि हमारी परिस्थिति उस वस्तु के साथ, उस ज्ञान के साथ हमारी क्या संबंध है, ये हमें उसी समय या उस स्थिति के कारण, कहते हैं कि हर चीज़ हमें स्थिति, जो हमारा समय, हमें हमारा वातावरण, जैसा हमें समझाना जाता है हम उसी तरह से उसको समझते हैं। तो अवबोध है हमारी समझ, अर्थात हमारी सोच। और कहते हैं कि जो हमारी समझ है वो एक लचीली प्रक्रिया है, जिसे हम समय के अनुसार और उपयोग के अनुसार, यानी कि जिस समय जिस चीज़ का उपयोग है उसके अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर सकते हैं। इसीलिए इसमें लचीले शब्द का प्रयोग है। अब है इसमें आगे मैंने अवबोध का आपको अर्थ बताया कि अवबोध होती है हमारी समझ। इसी में मैं अब ये कहूँ आपको कि समझ कैसे, अगर हम ये कहें कि बच्चा छोटा होता है, जब बच्चा बहुत देखना नहीं है, हम जिस चीज को जिस तरीके से बच्चा देखता है, समझता है। हम ये कहें बच्चा ये कहे कि जब बच्चा छोटा होता है, माँ उसे किसी चीज़ के लिए कहे कि ये चीज़ इस चीज़ का ज्ञान कराती है, उसे हम चीज़ दिखाते हैं। हम ये कहें कि बच्चे को, अगर हम बच्चा दूध पीता है, गर्म दूध पीता है, तो वो उसकी पहचान करता है कि अगर गर्म चीज़ हम लेते हैं तो वो दूध हुआ। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसके स्वाद जो दूध का मीठा है, अगर हम उसी जगह उसे अगर हम दूसरी चीज़ देते हैं, अगर हम कहें कि सफ़ेद चीज़ का ज्ञान है दूध से, तो हम उसे सफ़ेद चीज़ दूसरी छाछ देते हैं, तो बच्चा उस टेस्ट से, उस स्वाद से उसको पहचानता है कि ये क्या है हमारी छाछ और ये क्या है हमारा दूध। तो इसी तरह से कहा जाता है कि हमारे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी सोच और समझ में। अब आप सिंपल तौर पर कहें कि बच्चा जब होता है तो वो अपनी माँ की गोद में, किसी पराई स्त्री की गोद में रहता है, वो तुरंत अपनी माँ की गोद में क्यों आ जाता है? क्यों आ जाता है वो अपनी माँ की गोद में? इस अवबोध के कारण, इस समझ के कारण, वो जानता है कि ये मेरी माँ है। तो वहाँ उसे उतना ही समझ में आता है कि मेरी माँ कौन है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है, तो वो हर रिश्ते को, हर चीज़ को समझने की कोशिश करता है। तो इसमें कहा जाता है कि समझ हमारी धीरे धीरे हमारे जो हमारे सोचने की प्रक्रिया है उसको हमारी को आगे बढ़ाता रहता है। इसी में यहाँ पे लिखा प्रोफेसर एसके दुबे जी ने परिभाषा में कहा है कि अवधारणा तर्क चिंतन एवं ज्ञान का वह परिणाम है जो एक बार विकसित होने पर आगामी चिंतन एवं निर्णय में भूमिका निर्वहन करती है। यानी कि उसकी भूमिका होती है उसके अंदर, वो उस जिस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं, जो चीज हमें सोचने के लिए प्रेरित कर,
होता है, तो वो चीज जब जिस समय हमें सोचते हैं उसके लिए जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो उसके लिए हम उसके परिणाम में भी उसके परिवर्तन आते रहते हैं, यानी कि हमारी समझ हमारी सोच बढ़ती हुई चली जाती है। वो किस कारण होती है? हमारी खुद की समझ के ऊपर। जैसे जैसे हम कहते हैं कि एक समझ हमारे जैसे हमारे बड़े लोग कहते हैं कि जब हम बड़े होते जाते हैं उम्र आती है तो समझ अपने आप आ जाती है, तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारा मानसिक आयु लेवल है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारी सोचने समझने और चिंतन करने की क्षमता बढ़ती हुई चली जाती है। तो इसीलिए इसमें कहते हैं कि अवधारणा जो हमारी सोच है वो हमारा तर्क चिंतन एवं ज्ञान का वह परिणाम है जो एक बार विकसित होने पर, यानी जिस चीज़ के बारे में हम एक बार सोचते हैं अगर हम उसको आगे दोबारा सोचेंगे तो हम निश्चित रूप से उसमें कोई ना कोई परिवर्तन करके या उसका नया रूप जोड़ के हम उसका विकास ही करेंगे हम, यानी कि उसको आगे बढ़ाने का जितना अच्छा होगा हम उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये इन्होंने एसके दुबे जी ने कहा है। इसी तरह से हमारे बॉसिंग एंड बॉसिंग जी ने कहा है कि अवधारणा किसी देखी हुई वस्तु की प्रतिमा है, यानी कि इनका कहना है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे लिए वो वस्तु एक प्रतिमा एक मूर्ति के समान होती है, तो उसी प्रकार जब हम सोचते हैं तो वो सोच भी हमारी प्रतिमा हो जाती है। हमने देखा है हम कई चीजें ऐसे सोचते हैं जो हमारी काल्पनिक होती है, हमने कभी नहीं देखा। जैसे हम कहें हम ईश्वर को देखा है, ईश्वर को क्या कभी किसी ने देखा है? नहीं। लेकिन जो हमने उनके मन में हमारे लिए जो प्रतिमा बना रखी है वही हमारे लिए ईश्वर की मूर्ति है। तो इसमें यही कहा कि अवधारणा किसी देखी हुई वस्तु की प्रतिमा है जिसे हमने देखा हो। अगर हमने नहीं भी देखा हो तो समझ और चिंतन ऐसा होता है कि उसकी काल्पनिक रूप को भी हम एक तरीके से ये सोचते हैं कि ये हमारा सत्य है। तो इसमें इसी चीज के लिए कहा है कि अवबोध हमारी समझ होती है जिसे हम अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, कि ये हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारी समझ होती है कि हम किस तरह से समझते हैं। तो ये समझ हमारे हर कहते हैं कि समझ हमारे हर रिश्ते पर या हम कोई कार्य करें उस पर सब पर हमारा इसका गहन एक बहुत गहरा असर होता है। तो अब वो हमारे कई बार हमारे ये एक तरीके से रिश्ते पर भी हमारी समझ का असर होता है कि हम क्यों कहते हैं कि हम एक दूसरे को समझें, तो वो समझ इसलिए कि हम जाने कि सामने वाला कैसा है। तो अवबोध का ज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को नहीं समझ सकते, अगर हम समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे, जो हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो चीज़ हम नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से हम उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी आगे कि इसकी जो अवबोध के लिए मैं कहूँगी हमारे अवबोध की विशेषताएँ क्या है। आगे है हमारे अवबोध की विशेषताएँ, अवबोध की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो हम देखें सबसे पहला है सामान्य वर्ग से संबंध। अब यहां हम क्या देखते हैं, सामान्य वर्ग यानी कि वर्ग जो समूह हर कैटेगरी में हर वर्ग में, चाहे हम देखें इसमें जानवर मनुष्य यानी कि जानवर में उन्हें अलग अलग चीज काट बांट देते हैं। इसमें अब हम कहें इसमें कि अगर हम ये कहें कि सामान्य वर्ग में हम पशु श्रेणी में लेते हैं हम, तो हम ये कहेंगे कि पशु श्रेणी हम ये कहेंगे दूध कौन कौन देता है, तो हम सिंपल तौर पर क्या कहेंगे उन वर्गों को हम अलग ही छाँट लेंगे, वो समूह बना लेंगे हम। जब वो समूह छाँटने की बात आएगी तो हमारे पास क्या नाम आएगा, गाय भैंस बकरी, अर्थात हम वो सामान्य वर्गों का अलग से ही हमारे तरीके से छांट लेंगे उनको, वो वर्ग बना लेंगे हम, वो समूह बना लेंगे। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जहाँ हम सामान्य वर्ग की पहचान करते हैं, बच्चा देखता है ये कहे कि भाई आज हम सिंपल तौर पर छोटे बच्चे से भी ये कहें कि हम किसका दूध पीते हो, आप किसका दूध कहेगा कि हम गाय का दूध पीते हैं भैंस का दूध पीते हैं, अर्थात वो जो चीज जानेगा उस वर्ग से सबसे पहला संबंध वो वर्ग से स्थापित करता है कि किस वर्ग से है, चाहे वो अपने माता पिता को कहेगा कि ये मेरी माँ है ये मेरे पिता है ये मेरे दादा। तो ये किस चीज़ में आता है ये कि ये हमारे सामान्य नॉलेज जिसे हम कहते हैं कि सामान्य ज्ञान है, सामान्य चीज़ की हम पहचान करते हैं ये इसमें आता है। अब हम कहें बच्चे से पूछें कि घर की रखवाली कौन करता, तो बच्चा तुरंत बोलेगा कि घर की चौकीदारी या घर की सुरक्षा डॉगी कर सकता है या कुत्ता। तो ये एक तरीके से हमारा ये
पहचान, अर्थात सबसे पहले अंकों की हम क्या करेंगे, वर्ग की पहचान। सेकंड है हमारा कल्पना व वास्तविकता से, कल्पना व वास्तविकता से संबंध, कल्पना व वास्तविकता से संबंध। कई बार हमने देखा है कि हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान लेते हैं, वो हम किसके आधार पर लेते हैं, कल्पना के आधार, यानी कि जिसे हम ओनली सोचते हैं, हम विचारते हैं, सिर्फ हम अपने दिमाग में उसकी कल्पना करते हैं। एक सिंपल तौर पर हम कहें कि एक माँ होती है अपने छोटे बच्चे को, जब तक कि बच्चा समझता नहीं है, हम बच्चे को डराते हैं कि आप सो नहीं तो भूत आ जाएगा, एक सिंपल है। तो ये क्या है, क्या होता है भूत? नहीं। क्या बच्चे ने देखा है? नहीं। लेकिन हम कह रहे थे कि बहुत काला व्यक्ति आएगा, डरा हुआ, डराना डराएगा आपको, तो ये क्या हो गई हमारी कल्पना ना। तो ये कहते हैं कि जब हम कल्पना को वास्तविकता से जोड़ते हैं, वास्तविकता से कैसे जुड़ गया, वो वास्तविकता से जुड़ा कि वो बच्चों को जोड़ दिया, उस बच्चे से जब जोड़ा उसने एक तरीके से वास्तविक मूर्ति, वास्तविक मूर्ति कैसे बना दी कि बच्चा किस पर विश्वास कर रहा है, अपनी माँ पर। तो माँ ने उनको जो कही है, जो समझ पैदा करी है उसके आगे कि भाई भूत से डर लगता है, तो उसने उस चीज को माना है, उस चीज को उसने समझा है। तो इसमें बताया गया है कि कल्पना वास्तविकता से संबंध, कि दोनों का वास्तविकता से संबंध हम स्थापित करते हैं, वो क्यों करते हैं, इस समझ के कारण। एक समझ ऐसी होती है जो हमें दोनों के अंदर संबंध स्थापित करवाना कराना सिखा देती है। हम सीख जाते हैं कि हम किस तरह से कल्पना में वास्तविकता से संबंध स्थापित कर सकते हैं। जो हमें थर्ड पॉइंट है हमारा, वो है हमारा सामान्य गुण, सामान्य गुण, जो हमारा सामान्य गुण होता है, सामान्य गुण एवं विशेषताओं में, विशेषताओं में, विशेषताओं में संबंध। हमारे जो भी सामान्य गुण होते हैं उनमें और हमारी विशेषताओं में संबंध। हम कई बार किसी वस्तु के, जो कहते हैं हम वस्तु में, या कहीं हम व्यक्ति में, या कहीं हम वर्ग में, हम क्या करते हैं उनमें आपस में विशेषता करते हैं, हम गुण पर देखते हैं कि इसके अंदर कैसे गुण है या सामने वाले के अंदर क्या, यानी कि हम एक तरीके से अंतर स्पष्ट करते हैं। हम गुण और विशेषताओं के आधार पर हम उनके अंदर कंपेयर करते हैं कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। तो इसमें ये चीज बताई गई है कि जब हम किसी विशेष सामान्य गुण व्यक्ति के अंदर होता है, तो उस गुण को लेके अगर हम सिंपल तौर पे कहें कि एक व्यक्ति की बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है, अगर हम दूसरों से हैंडराइटिंग कंपटीशन करवाते हैं, तो हमारे दिमाग में आएगी कि उस बच्चे की बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है, यानी कि हम कंपेयर करेंगे कि ये उसके अंदर गुण है, चाहे वो पढ़ने में नहीं है, हम ये कहेंगे कि दूसरा बच्चा पढ़ने में है और एक बच्चे की लिखावट अच्छी है। तो ये दोनों के गुणों में, दोनों के कंपेयर हो गए कि हम यहाँ पर किसी वर्ग में, व्यक्ति में, वस्तु में, हम क्या करते हैं यहाँ पर उनकी विशेषताओं और उनके गुणों के आधार पर हम क्या करते हैं उसके अंदर संबंध करते हैं कि कौन सा अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। फोर्थ पॉइंट है हमारा अनुभव के साथ संबंध, अनुभवों के साथ संबंध कि हम उन अनुभवों के साथ किस तरह से संबंध स्थापित करते हैं। हम ये कहें कि अब हमने अनुभव ग्रहण किया, आज जो हमारा कोरोना चल रहा है, अगर एक एग्जांपल दें, हम जो कोरोना चल रहा है, कोरोना में हमने देखा है कि जो आयुष मंत्रालय ने जो काढ़ा दिया है, वो काढ़ा हमारे लिए अच्छा है, लेकिन वो क्यों हुआ है कि जब उसका प्रयोग किया गया, जब प्रयोग किया गया, दूसरे व्यक्ति उससे स्वस्थ हुए, तो हमने क्या सोचा कि भाई ये काढ़ा हमें पीना चाहिए। इसी के लिए उस काढ़े में क्या क्या चीज़ें हैं, उसका प्रयोग भी हम सिंपल काढ़े में करने लगे, अगर वो काढ़ा भी हम पीने लगे, तो यानी कि हमने हर चीज़ का अनुभव करते हैं, तभी हम अनुभव के साथ संबंध बिठाते हैं। हम ये कह दें कि हमें हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, स्वच्छ रहना है। तो बच्चे जैसे स्कूल में भी आएंगे, तो हम उनसे कहेंगे बच्चों के स्वच्छता पर ध्यान दो, उनकी ड्रेस चेक करेंगे, उनके नेल्स चेक करेंगे, वो नहा के आए हैं नहीं ये देखेंगे, यानी कि हम उनके दिमाग में एक चीज़ बिठाएंगे। तो वो क्यों होता है, वो अनुभव के आधार पर। हमने देखा है कि जो गंदे या हम अस्वस्थ बच्चे हैं, वो अधिकतर हम ये कहेंगे बच्चों को कि बच्चे, वो बच्चे सफाई से नहीं रहते। तो ये अनुभव है, जो स्वस्थ हम रख रहे हैं, तो वो स्वस्थ क्यों रख रहे हैं आप, स्वच्छता के कारण, उसे ये ज्ञान दे रहे हैं
कि हमें स्वच्छ रहना चाहिए। उस स्वच्छ रहने से ही हम क्या रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो इसमें जो फोर्थ पॉइंट था हमारा अनुभवों के साथ संबंध, पांचवा है हमारा परिवर्तन के साथ संबंध, परिवर्तन के साथ संबंध, परिवर्तन के साथ संबंध पांचवा पॉइंट है हमारा। जो भी हमारे जीवन में जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में यहाँ पर वर्णन है। हम ये कहें कि अगर अवधारणा में परिवर्तन का निशान है, जैसे कि मैंने पहले चीज बताई है कि परिवर्तन क्या है, इसमें अवधारणा क्या है, लचीली, अर्थात हम समय के अकॉर्डिंग उसमें चेंज होते रहते हैं। अब हम यहाँ पर परिवर्तन का कहें कि अगर बच्चा छोटा होता है तो वो ये कहता है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं, तो जब तक वो सोच समझ नहीं होती है, या पुराने लोग हमें कहते हैं कि पौराणिक कथा जो हमारे उनके लिए अंधविश्वास वाली कहानियां बनी हुई हैं, हम उस कहानी को कहते हैं कि भाई राहु और केतु आ जाते हैं उसके सामने, राहु और केतु का उसके पास असर होता है इसलिए सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो समझता है कि ये खगोलीय कारण है, फिर वो उससे बड़ा होता है तो उस प्रक्रिया को जानता है कि ये क्यों हुई है, क्योंकि हमारी पृथ्वी सूर्य आगे जाती है, जब पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य चक्कर लगाता है, उसके कारण ही ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। अर्थात उसका क्या हो गया, उसकी समझ में परिवर्तन हो गया। जहाँ पहले पौराणिक कथा को मान रहा था, पौराणिक कथा को न मानते हुए वो आज जो विज्ञान और जो वैज्ञानिक मान रहे हैं वो उस बात पर ध्यान दे रहा है। तो ये किसके कारण है, हमारे परिवर्तन के कारण, यानी कि वो कौन सी स्थिति है, हमारी परिवर्तन की स्थिति है, परिवर्तन की स्थिति, परिवर्तन की स्थिति, जो हमें समय और समझ के अकॉर्डिंग हम उससे परिवर्तन करते रहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा आगे वाला है, इसमें परिवर्तन के बाद हम कहेंगे हमारी अवधारणा का क्रम, कि हमारी अवधारणा का क्या क्रम है। तो हमारे हमने ये देखा है कि अवधारणा में जो हमारा क्रम चला, मैंने अभी परिवर्तन में आपको एग्जाम्पल दिया है, परिवर्तन में मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको किसका, सूर्य चंद्रमा का, तो इसमें भी हमारा वही क्रम है, अवधारणा का, अवधारणा का विकास क्रम, अवधारणा का विकास क्रम। तो अवधारणा का विकास क्रम क्या है, स्टेप टू स्टेप, जो उसने पहले सुना पौराणिक कथा, बाद में माना उसने खगोलीय कारण, तीसरा माना उसने जो आज विज्ञान मान रहा है कि पृथ्वी के कारण हमारा सूर्य ग्रहण होता है, जो हम चक्कर जो लगता है घूर्णन पूरा होता है उसके कारण ये होता है। तो ये क्या हो गई है, अवधारणा क्या हो गई, हमारे विचार सोच उसी का ही क्रम हमारा आगे बढ़ता गया, यानी कि उसके विकास उस सोच में उस समझ में निरंतर प्रगति निरंतर विकास होता चला गया, उसको हमने समझना शुरू कर दिया। तो इसमें बताया गया है कि ये अवधारणा के विकास का क्रम होता है, समझ में हमेशा आगे बढ़ती है, समझ हमारे समय के अकॉर्डिंग, हमारी सोच के अकॉर्डिंग, हमारे तर्क हमारे चिंतन करने की अवस्था के आधार पर हमेशा हमारी अवधारणा का क्या होता है, हमारा क्रम आगे बढ़ता हुआ जाता है। सेवन पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण, व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि हमने देखा है हर व्यक्ति की सोचने और समझने की जो प्रक्रिया होती है वो अलग होती है, अर्थात हम कहें सभी की समझ अलग अलग होती है, सभी के विचार अलग अलग होते हैं। जब इन सब चीजों का समावेश होता है तो वो किसके अंदर आता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण। तो हम यही कहते हैं कि अगर हम ये कहें, किसी बच्चे ने कहा कि अगर हम हमारे कहीं घर के आसपास से हमने हमें दिखाई ना दी, वहां पर कहीं किसी ने कचरा ही जला दिया, लेकिन जिसने नहीं देखा कोई व्यक्ति कहेगा वहां आग लग गई, कोई कहेगा वहां कचरा जल रहा है। तो ये क्या है, सबके व्यक्तिगत यानी पॉइंट ऑफ व्यू, सबके विचार अलग अलग हैं, लेकिन जो तो इसमें यही कहा गया कि ज्ञान की जो लेने की जो समझ हम विकसित करते हैं वो समझ भी हमारी खुद की व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होती है, कि हमारी खुद की सोच कितनी है। तो इसमें यही चीज बताई गई कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारण हमारी समझ का भी अंतर होता है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक अलग सोच एक अपनी अलग समझ होती है। तो यही चीज इसमें बताई गई है कि व्यक्तिगत जो हमारी अवधारणा है या हमारे अवबोध है, उस अवबोध की मैंने आपको आज विशेषताएं बताई हैं कि इन
अवबोध की जो अर्थ है उसके बारे में बताया कि अर्थ हमारा अवबोध का मतलब होता है हमारा सोच, हमारी समझ, हमारा तर्क। उसी में फिर मैंने आपको एस के दुबे जी की परिभाषा बताई कि अवधारणा क्या है। अवधारणा तर्क, चिंतन एवं ज्ञान का वह परिणाम है जो एक बार विकसित होने पर आगामी चिंतन में, निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए करती, यानी कि जो हम आगे सोचते हैं उसमें हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर बॉसिन जी ने कहा है कि अवधारणा किसी देखी हुई वस्तु की प्रतिमा है, अर्थात जिसे हमने हमारे विचारों में सोच लिया, जरूरी नहीं हमने उसको देखा हो, जिसे हमने विचार में ही ले लिया हो, वो विचार हमारी क्या है, हमारी वस्तु की प्रतिमा, उसके हमारे खुद की मूर्ति। उसके बाद में मैंने अवबोध की आपको परिभाषाएं बताई, परिभाषाओं में मैंने आपको ये 6 पॉइंट लिखा, 7 पॉइंट लिखवाए, जिसमें सबसे पहले थी हमारी सामान्य वर्ग से संबंध, सेकंड था हमारा जो कल्पना से संबंधित, फिर पांचवा था हमारा सामान्य गुण और हमारे विशेषज्ञों के जो हमारे विशेषताओं से संबंध, चौथा था हमारा अनुभव के साथ संबंध, पांचवा था हमारे परिवर्तन की स्थिति, सिक्स था हमारा अवधारणा विकास का क्रम और सातवां था हमारा व्यक्तिगत भिन्नता। तो ये हमारे जो हमने आज किए हैं, ये हमारे अवबोध की विशेषता थी कि हमारे अवबोध में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। इसी के आधार पर अगर हम देखें तो एक है हमारी अवधारणा, जब हमने विशेषता जानी है तो इसके बाद में हम इनका प्रयोग लेने का, यानी कि हम जिस अवधारणा की विशेषता बता रहे हैं उस अवधारणा को हम प्रयोग में कैसे ले सकते हैं, उसे हम किस तरीके से हमारे जो हम हमारे डेली कहते हैं कि हम किस तरह से उसे हम विधि में काम में ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है हमारे अवधारणा की, जिसे हम नाम दे सकते हैं अवधारणा या बोध या समझ की विधि, यानी कि हम किस किस तरीके से हम सोच सकते हैं या हम किस तरीके से इन विधियों का काम चयन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे करेंगे, अवलोकन करके, यानी कि उस चीज का हम निरीक्षण करेंगे अवलोकन के द्वारा। जब हम किसी चीज को कहते हैं कि दो चीजों को हम देखें कि हम क्लास में जाएं, अगर हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग में हम जब बच्चे को खड़ा करते हैं पढ़ाने के लिए, तो हम उसका अवलोकन करते हैं, दूसरे बच्चे से भी उसका अवलोकन करवाते हैं, निरीक्षण करवाते हैं कि बच्चा किस तरह से पढ़ता है। तो इसमें अवलोकन में आता है कि हम उस समझ को अगर यहाँ हम देखें तो हम बच्चे का अवलोकन किस तरह से करेंगे या हमारा स्वयं का अवलोकन कैसे करेंगे। जो हम कार्य कर रहे हैं वो हम पहले वाला कार्य भी देखेंगे और आगे जो हमने किया है वो कार्य भी देखेंगे। तो यानी कि दोनों का हम कंपेयर करेंगे, निरीक्षण करेंगे कि हमने किस तरीके का कार्य किया है। तो सबसे पहले हम किसके आधार पर, हमारे अवलोकन के आधार पर, सेकेंड है हमारे विश्लेषण के आधार पर, विश्लेषण के द्वारा, यानी कि हम किस तरीके से हमारा यहाँ पर जो कार्य करने का विभाजन है वो किस तरीके का होता है वो भी अवधारणा में आता है कि हम जो विश्लेषण कर रहे हैं, जो क्रम से कर रहे हैं, क्या वो हमारा सही है या नहीं, उसी के माध्यम से हम हमारा कार्य करते हैं कि हमारा विश्लेषण करने का तरीका कैसा है, हम किस तरीके से इस पर कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारा किस में आता है, हमारे विश्लेषण करने के तरीके में, ये हमारा है अवधारणा की विधियां। और आगे हम इसमें देख सकते हैं, आगे भी हम जो भी ले हम तर्क कह रहे हैं, इसमें तर्क के माध्यम से, तर्क और चिंतन के माध्यम से हम इसमें सोचते विचारते हैं, हम तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, यानी कि हम उसे तर्क वितर्क करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, या फिर हम किसी से जानने की कोशिश, अपने अलग अलग मतों को जानने की कोशिश करते हैं। पांच चौथा हम देखें तो प्रमाण के द्वारा, यानी कि हम किसी, कई बार हमें जो हमारा कार्य होता है उसके लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है, क्योंकि कहा जाता है कि ज्ञान तो होता है सत्यों से, प्रमाण की आवश्यकता ज्ञान को नहीं होता क्योंकि तो प्रमाणित किया हुआ होता है, लेकिन जब हमारी समझ जागृत होती है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ उस कार्य को करने के लिए हमारे प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो हम उसके लिए उसको प्रमाण करेंगे। और पांचवा हम देखें उसका प्रयोग द्वारा कि हम उसे किस तरीके से हम उसे प्रयोग करके, कहते हैं हम कई चीजों को तुरंत उसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो ये थी हमारे अवधारणा बोध की विधि के अवलोकन के माध्यम से, विश्लेषण के द्वारा, तर्क और चिंतन के द्वारा, प्रमाण के द्वारा और प्रयोग के द्वारा, इनके आधार पर हम इसकी विधि का प्रयोग करते हैं। आगे का टॉपिक हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। धन्यवाद।